नमस्कार, संडे स्पेशल कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप इंतजार कर रहे हैं इस प्यारे से प्रोग्राम का, मुझे पता है बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि इस प्रोग्राम को आप इतना पसंद करते हैं। बार बार हमें बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं आपके। सबसे पहले तो हम अपने ऑडियंस का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आपको पता है इस कार्यक्रम के तहत आज हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है उदयवीर सिंह सलाथिया जी को। आप बहुत अच्छे सिंगर, आपको मेरी बात पे विश्वास ज़रूर हो रहा होगा क्योंकि आपने इनके बहुत सारे शोज देखे होंगे। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और मीठे वाले जो गीत है ना वो भी सुनते हैं। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका पीपी न्यूज़ लाइन में। नमस्कार जी सबको, और आपका भी बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया पीपी न्यूज़ लाइन जी का जी। थैंक यू। वैसे आप गाते ही इतना मीठा और देखने में भी इतनी प्यारी लुक है ना आपकी, हमारे दर्शक भी बहुत खुश हो जाएंगे उदय को देख के। उदय, जैसे आप सप्तक बैंड से जुड़े हुए हैं, मैंने बहुत सारे शोज आपके जी देखे। जी हाँ, तो मतलब कहाँ कहाँ परफॉर्म करते हैं आप? जी हमने काफ़ी सारे शोज किए हैं, रियासी में किए हैं, जम्मू टूरिज्म के, कहीं पर भी जहाँ जहाँ भी अभी क्या बोलते हैं उनका लोकेशन मिलती है हमें या कोई कॉन्सर्ट मिलता है हम करते रहते हैं जी। अकेडमी के, ICCR जी। और देखिए जैसे जब उदय या आपके पापा निर्भय सिंह सलाथिया जी की बात आती है, सलाथिया ब्रदर्स की बात आती है, तो डोगरी की प्रमोशन की बात जरूर आती है जी जी। तो जाहिर है थोड़ा सा मैं डोगरी में भी बोल देती हूँ। देखिए जिले थोड़े पापा की गल आती जी, या निर्भय सिंह सलाथिया और या सलाथिया ब्रदर्स की गल आती, तो डोगरी की प्रमोशन हमेशा डोगरी गाना जरूर गाते हैं, डोगरी जरूर गाना। तो तुम्हें डोगरी भी आता या छा बॉलीवुड डोगरी पक्के पक्के हो? अच्छा, तो सानू साढ़े दर्शक बलगार दे उन्हें की सुनाने वाले हो? हाँ जी कोई नहीं, मैं तुसें ही डोगरी एक गीत चटनी ते मुरगी सुनाई। हाँ, बड़ी बड़ी स्वादली चटनी भी होती, गाना भी शैल है जी जी। ओ असा कुट्टी ते जितरार चटनी तिमरू दी, ओ असा कुट्टी ते जितरार चटनी तिमरू दी, नार दाना कन तनिया पाया, नार दाना कन तनिया पाया, नार दाना कन तनिया पाया, मरचा पाया चार चटनी तिमरू दी, ओ मरचा पाया चार चटनी तिमरू दी, ओ असा कुट्टी तेज तरार चटनी तिमरू दी। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत, और गाया भी आपने बहुत खूबसूरती से है। उधर देखिए जैसे आप सिंगर हैं, आप बैंड के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो उधर कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप अगर प्ले करते हैं तो सिर्फ गाते हैं प्ले भी? बैंड में तो मेन काम जो मेरा है वो वोकल का ही है। वहाँ पे बैंड में हम दो सिंगर हैं, तो हम मेन सिंगर दोनों ही हैं, तो हम सिर्फ वोकल करते हैं। ऐसे मैं हारमोनियम प्ले करता हूँ साथ में, घर पे थोड़ा बहुत सीख ही रहा हूँ अभी भी, और गिटार भी थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ अभी। आर्टिस्ट की पहचान होती ताज़ जिंदगी वो सीखता है। बिल्कुल जी। तो देखिए जैसे आप सिंगर हैं, ठीक है, आप एज ए सिंगर सब जानते हैं आपको, तो आप धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि डायरेक्शन की लाइन में भी आ रहे हैं, ऐसा क्या क्या मतलब क्या सोचा, क्यों क्यों टर्न हो रहे हैं? क्योंकि ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि देखो ये आर्टिस्ट फील्ड जो होती है ये बड़ी धक्के खाने वाली फील्ड होती है, मेहनत मेहनत बड़ी ज़्यादा चाहिए और बड़ी मुश्किल से अपना मुकाम हम इसमें हासिल कर पाते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट में जो भी हो, सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर, राइटर, कंपोजर। तो उन्होंने कहा कि तू ये काम सीख, मेरे चाचा जी लगते हैं सुरेंद्र मनोहर जी, जैसे आपको पता है जी। हाँ, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया इस चीज़ के लिए कि तू एक काम कर, ये भी सीख, ये सीखेगा तेरे पास एक ऑप्शन रहेगा इन केस अगर तुम नहीं बन पाए कुछ अच्छे सिंगर, तो तुम्हें ये भूखा नहीं मरने देगी। देखिए बात ये होती है आजकल की जो यूथ है, जैसे आप हो गए, आप लोग ना बहुत टैलेंटेड हैं, आप एक नहीं दो नहीं बल्कि मैं आजकल देख रही हूँ जो सिंगर है वो एंकर भी है, वो डांसर भी है, देखिए स्टेज पे वो डांस भी करेगा जी जी। वो गाना भी गाएगा, वो एंकरिंग भी बीच में करेगा, मतलब आजकल की जो जनरेशन है ना वो बहुत फास्ट में कहूँ और अच्छी भी है कि वो वर्सेटाइल बनती है, हर चीज़ उसे आनी चाहिए और टैलेंटेड भी है। हमारे होता था कि एक अगर सिंगिंग की लाइन पकड़ी तो सारी ज़िंदगी हम उसी पर चलते थे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप हर एक फील्ड में जुड़े हुए हैं हर फील्ड के साथ। तो डायरेक्शन में अभी तक कुछ किया कि अभी सीख ही रहा? अभी फिलहाल सीख ही रहा हूँ मैं, तो खुद में नए नए उसमें टेक्निक वगैरह अपने अपने कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट की मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसमें तैयारी कर सीख सीख के कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बनेगा। हाँ, पीपी न्यूज़ लाइन की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आपके प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आप अब ऐसा कि हमारे दर्शक जो है ना इंतजार कर रहे हैं, कहते उदय हमारे स्टूडियोज में है और गाना ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, अब क्या सुनाएंगे आप? अभी कोई पंजाबी सुना देता हूँ आपको।
हाँ पंजाबी ना आपका एक बहुत फेमस है वो सुन चरखे दी, वैसा कुछ है ना, मैंने सुना पड़ेगा। फेमस नहीं है वो फेमस, मैं ज्यादा गाता हूँ। गाते हो ना, काफी फेमस गाना और आप गाते बहुत बार हो। जी जी जी, वो वही सुना देता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। तो ना गमा वाला चरखा ते दुखां दिया पूनिया, मैं जो जो कत्ती जावान ये होन पईया दूनिया, कत सकनी ना बललिए कुड़िए तेरी पूनिया दी परियो चिंगारी, अंदर तेरे कूड़ा पे ते तू मूल ना दिती बहारी, मेरे दिल विचों उठ दी एहू, मेरे दिल विचों उठ दी एहू, माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा मेरे दिल विचों उठ दी एहू, मेरे दिल विचों उठ दिया हूँ, माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी को, माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी को। क्या बात है, देखिए आप पंजाबी भी बहुत अच्छा गाते हैं, डोगरी तो आपने गाया ही अच्छा क्योंकि हमारी मदर टंग है, और पंजाबी भी आपने दमदार गाया। उदय बड़ा मन करा आपसे बातें करेगा, मीठे गीत सुनेगा, लेकिन यहाँ एक वक्त हुआ जा रहा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी, वीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है संडे स्पेशल कार्यक्रम में, और आज इस कार्यक्रम में हमने अपने स्टूडियोज में दावत दी है उदयवीर सिंह सलाथिया जी को, बिल्कुल हमारे स्टूडियोज में। चलिए हमसे फिर से बातें की तरफ सिलसिला शुरू करते हैं। उदय ये बताइए, जैसे आपके पापा का अभी सलाथिया ब्रदर्स का एक गाना भी रिलीज हुआ, उसके बारे में बताइएगा। तो वो गाना वो पहले भी उन्होंने गाया हुआ है स्टेज पे, लाइव बड़ी बार परफॉर्मेंस की है, तो रिलीजिंग वो अभी थोड़े दिन पहले हुआ, कुछ अस डोगरे हैं जी, तो उसमें सलाथिया ब्रदर्स ने आवाज़ दी है सबने, निर्भय जी पापा मेरे, रमन सलाथिया जी और राकेश सलाथिया जी जिनकी भी डेथ हुई है, ताऊ जी मेरे कितने हैं वो, हाँ विशाल जी, जितने भी ग्रुप हैं। ग्रुप में कौन कौन था टीम, अगर बताना चाहे तो बता सकते हो। ग्रुप में यही थे, पापा मेरे थे और साथ में राकेश सलाथिया जी, ताऊ जी मेरे, रमन जी, रमन सलाथिया जी, तो विशाल भैया, यशपाल जोश जी जो हमारे राइटर हैं उनके बेटे, तो सब टीम थी। तो मतलब एक बात बताइए, जैसे आप कोई गाना रिलीज करते हैं तो उसमें दिनेश सलाथिया जी भी थे, तो जैसे आप कोई गाना रिलीज करते हैं तो उसमें काफी मुशक्कत रहती होगी। देखिए देखने वाला तो देखता है, हाँ थोड़ा सा रिलीज हो गया, चलिए हमने देख लिया, या पूरा भी गाना नहीं देखते बहुत बार लोग, तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को कि इतनी मेहनत के बाद तो लोगों को देखना चाहिए ना, उसमें आप क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है शायद से जैसा आप बोल रहे हो, ऐसे आजकल नहीं ऐसा, क्योंकि डोगरी लैंग्वेज बड़ी जल्दी प्रमोट कर रही है अपने आप को, खुद पहले चलो नहीं सुनते थे, पहले हम भी नहीं सुनते थे, पहले हमें वैल्यू नहीं पता था डोगरी की क्या है, अब जब धीरे धीरे समझ आ रही है तो नए नए यूथ भी इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं, और जैसा कि ये जो गाना है अस डोगरे हैं, इसमें तो अपने कल्चर की ही बात की है, पूरे कल्चर की चीज़, और देखना आप वीडियो में मुकेश ऋषि जी जो बॉलीवुड में विलन है उन्होंने भी एक्ट किया उसमें, तो एक दो पॉलिटिशियन भी हैं उसमें वीडियो में, सब कुछ पूरा कल्चर बताया, बड़ा अच्छा गाना है और काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिले हैं उसको।
और काफी पॉपुलर भी हो, मैंने भी देखा, बहुत 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 प्यारा गीत है। और देखिए इसमें पूरी टीम कैमरामैन से लेकर स्पॉट बॉय से लेकर कैमरामैन सबकी मेहनत है, डायरेक्टर तक, मतलब कितने लोग बीच में आते हैं। सबका गाना है, सबका गाना है। तो अभी ऐसा है कि सबका गाना तो हम सब सुनेंगे ना, आपसे ये वाला गाना सुनाइएगा। जी जी, थोड़ा सा मैं गा देता हूँ, आपको जहाँ आता होगा आप भी गुनगुना देना। मुझे आता नहीं लेकिन मैं सिंगर नहीं हूँ, जहाँ भी आता होगा तो आप गा सकते हैं, सबका गाना है। ओ अस डोगरियां आखनी आशाने कने, ओ अस डोगरियां आखनी आशाने कने, ओ अस जीतियां जंगा कमसाने कने, अस डोगरियां आखनी आशाने कने, ओ अस डोगरियां आखनी आशाने कने, निक्के निक्के कर साड़े निक्की निक्की मर्जी, निक्के निक्के कर साड़े निक्की निक्की मर्जी, निक्कियां ने लोड़ास मती देनी गरजी, निक्कियां ने लोड़ास मती देनी गरजी, अस प्रोने गी रखने मन कने, ओ अस प्रोने गी रखने मन कने, अस जीतियां जंगा कमसाने कने, अस डोगरियां आखने आशाने कने, ओ अस डोगरियां आखने आशाने कने। क्या बात है, उदय ये बताइए जैसे आपके पापा गाते हैं, चाचू गाते हैं, ताऊजी गाते हैं, मतलब माहौल है आपके घर में, आपकी मम्मा भी गाते हैं या उनका क्या क्या रुझान रहता है, या फिर अगर नहीं गाते तो सुनते हैं या प्रोत्साहित करते हैं क्या? म्यूजिक लवर है वो, सुनने का बड़ा शौक है उनको। हाँ, सुनने का बड़ा शौक। तो कभी ऐसा होता है आप कभी गा रहे हो तो वो गलती भी निकालते होंगे, अरे ऐसा नहीं, ऐसा किचन में काम करते, कभी ऐसा निकालते हैं, बिल्कुल साथ साथ में निकालते हैं, और उनका ऐसा रिएक्शन होता है जैसे कि वो हमसे बड़े अच्छे सिंगर हैं, उनको आता है और वो हमें गाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसे मतलब सुन सुन के। देखिए जो श्रोता होते हैं ना वो ही सिंगर होते हैं। हाँ बिल्कुल, गाने वाले से ज्यादा जो सुनने वाले होते हैं ना, उनको ज्यादा समझ होती है, ज्यादा गलती का भी पता चलता है कि कहाँ से सुर। तो कभी ऐसे डांटते भी, अरे तूने खाना बनाते, कभी अरे सुर गलत लगा दिया, ऐसा नहीं, ऐसा अच्छा नहीं गाया ये वो है, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो जैसे आपकी स्टेज परफॉर्मेंस होती है तो आपकी मम्मा भी देखते हैं, जानती होंगी या कुछ ऐसा? वो बड़ा कम जाते हैं क्योंकि फैमिली के साथ मेरा हमेशा एक इशू रहता है कि उनके सामने वैसे गाया जाता, मुझे डर लगता बड़ा ज्यादा। ये जैसे, क्या बात, जैसे मेरे फादर साहब हो गए, मुझे बड़ा डर लगता है उनसे। अच्छा। जब स्टेज पे खड़े हो तो मैं उनको खुद बोलता हूँ, मैं आप वीडियो में देख लेना। अरे चलिए, ये मैंने बड़ी स्टेज फोबिया सब कुछ सुना था लेकिन ये नहीं सुना था कि घर वालों के सामने डर लगता है। डर लगता है मुझे बड़ा। चलो ये भी कोई नया फोबिया होगा, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। लेकिन अच्छा ये बताइए, जैसे आपने बॉलीवुड के गाने भी गाए होंगे, कुछ नंबर्स गाए होंगे, तो कुछ सुनाना चाहेंगे? बॉलीवुड का गाना तो फिलहाल मुझे भी एक ही याद आ रहा है तो सुनाता हूँ, टशन में से दो तीन लाइन सुनूंगा मैं। ताली बजावे नाच गावे, ओ रब होवे शरीक जिन के जशन में अपनी, तो बात मगर कुछ नहीं डाली है ओ अपनी, तो खून इश्क की लाली है ओ अपना जीना, तो जीना टशन में 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 टशन में। तो हर तरह के गाने गा लेते, क्या बात है ये। चलो मेरे गुरुजी का आशीर्वाद ही है। गुरुजी मतलब किससे? मेरे पापा जी मेरे पहले गुरु जिन्होंने मुझे स्पीड में डाला, बड़ी सारी चीजें सीखी उनसे कि गाना कैसे है और कहाँ क्या गाना चाहिए। हाँ ये चीज़ बहुत कौन करती है, ये सही बोला आपने। कभी ऐसा होता है हमारी ऑडियंस थोड़ी सीनियर होती है जी जी, तो हम अगर जिस तरह के मतलब फास्ट गाने गाए तो वो उनकी समझ में नहीं आएगी, मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो कभी ऐसा होता है नई जनरेशन होती है तो हम थोड़े अलग से गाने गाए तो वो उनको समझ नहीं आएगा, उनको मज़ा नहीं आएगा जी। और मेरे दूसरे गुरु जो जिनके पास मैं क्लासिकल सीखता हूँ, श्री रवि शर्मा जी, तो उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा है, कहाँ कैसे गाना है, मतलब कि बेस क्या है आपका। तो मतलब कि देखा जाए संगीत ये समुंदर, ये नहीं समझ आने वाली चीज़ है, इनको हम जितना समझते जाएंगे, जितनी समझ आते जाएगी हम उतना ही हम छोड़ रहे हैं उस चीज़ को, इसीलिए हम कंटिन्यूटी में रखा हुआ है मैंने, इसीलिए
तीन तीन गुरु का आशीर्वाद है मेरे सिर पे। और तीसरे मासी सलीम साहब, जैसा कि मैंने आपको गाने सुनाए मैक्सिमम, तो ये उनके ही गार था मैक्सिमम, दो तीन जो गाने गाए मैंने, तो इन तीनों से मैंने बड़ा कुछ सीखा है। उनसे मैं दो तीन बार मिला हूँ सलीम सर से, उनके पास बैठा हूँ, तो जब वो गाते थे मेरे सामने भी गाते हैं, तो बड़ा कुछ सीखने को मिला है। तो मतलब आप इसी लाइन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं आगे भी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्शन की तरफ से महेश तीनों मेरे साथ हैं। अरे हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि आपकी सब सब मनोकामना पूरी हो, और जिस तरह से आप मेहनत करें तो लगातार इसी तरह मेहनत करते रहे। उदय, आप हमारे स्टूडियोज में आए, बातचीत की, मीठे वाले गीत भी सुनाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी आप देख रहे थे पीपी न्यूज लाइन पर संडे स्पेशल कार्यक्रम, और संडे स्पेशल कार्यक्रम में आज हमने आपकी मुलाकात करवाई उदय वीर सिंह सलाथिया जी से। देखिए कितना लंबा नाम है, मुझे देखना पड़ रहा है कि क्या नाम है, वाकई वैसे नाम भी बहुत प्यारा है। और सलाथिया साहब से हमने बातचीत की, मीठे वाले गीत भी सुने, हमें पता है ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा है। तो अरे शेयर करिए ना, फिर देर किस बात की, कमेंट भी अच्छे से करिए। अगले एपिसोड में इसी दिन इसी वक्त फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।